सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू केतन ब्लॉग्स, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। सो गाइज, आज का जो हमारा ब्लॉग रहने वाला है वो बेसिकली डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू पे रहने वाला है ऑफ न्यू 2020 Hyundai i20। एस तो ऑप्शनल रहने वाला है, टॉप एंड वेरिएंट, एंड ये डीजल में रहने वाला है जो वर्जन है इसका i20 का, ये एस तो ऑप्शनल में रहने वाली है। एंड आज हम इसका डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू करने वाले हैं विद फुल ऑन रोड प्राइस एंड फुल स्पेसिफिकेशंस। सो आपको गाड़ी के बारे में सब कुछ बताया जाएगा। एंड उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर आज फर्स्ट टाइम आए तो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन प्रेस कर ले फॉर ऑल लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोस। सो इस वीडियो को जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, राइट नाउ आप लोग देख सकते हैं न्यू i20 एस्ता ऑप्शनल का ओवरऑल फ्रंट लुक है जो गाड़ी की, वो आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। ऐसे कुछ आपको काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश ग्लॉसी ब्लैक कलर के अंदर इसके अंदर ग्रिल मिल जाएगी, जिसके अंदर सेंटर में बड़ा सारा आपको Hyundai का लोगो मिल जाएगा गाड़ी में। ओवरऑल लुक आप लोग देख सकते हैं, थोड़ी बहुत आपको कहीं ना कहीं Hyundai Verna से इंस्पायर्ड दिखेगी इसकी लुक। एंड जो i20 है वो आपको 4 वेरियंट्स में मिलेगी, मैग्ना, स्पोर्ट्स, एस्ता एंड एस्ता ऑप्शनल में। एंड अभी आप लोग देख रहे हैं एस्ता ऑप्शनल, इसकी फ्रंट लुक पर जाते हैं हम डायरेक्ट। सो मैंने आपको इसकी ग्रिल वगैरह के बारे में बता ही दिया है। यहाँ पर आपको नंबर प्लेट के लिए सारी जो है मिल जाएगी जगह नंबर प्लेट की। गाड़ी में आपको लोअर में डिफ्यूज़र टाइप इंसर्ट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं गाइस अपनी स्क्रीन पर, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगते हैं एक ग्लॉसी ब्लैक कलर के अंदर। एंड अभी आप लोग देख रहे हैं गाड़ी का वाइट कलर, पॉलर वाइट कलर। गाड़ी के अंदर आपको ओवरऑल 8 कलर ऑप्शंस मिलते हैं, वो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड अभी आप लोग राइट नाउ पॉलर वाइट कलर देख रहे हैं गाड़ी का। सो आप लोग हेडलैम्प्स देख सकते हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलेंगे आपको गाड़ी के अंदर। यहाँ पर आपको LED मिलेगी लाइट, जो वाइट कलर की है वो लाइट्स निकल कर आएगी गाड़ी में। यहाँ आपको मिल जाएंगे इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट, एंड ऊपर यहाँ पर आपको DRLs मिल जाएगी, देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया लगती है ये। एंड यहाँ पर आपको i20 की बैजिंग मिल जाएगी, काफ़ी प्यारी लगती है मुझे ये पर्सनली। सो आप लोग देख सकते हैं। एंड नीचे जो इसके फॉग लैंप्स की हाउसिंग है वो आप लोगों को अगेन Hyundai Verna से इंस्पायर्ड दिखेगी, प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स मिलेंगे आपको कुछ इस शेप के अंदर, हाउसिंग मिलेगी आपको इसकी, ग्लॉसी ब्लैक सारे इसके अंदर इंसर्ट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं आपको गाड़ी के अंदर। सो आप लोग देख सकते हैं गाइस, प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स मिलेंगे विद हैलोजन बल्ब्स, आपको इसके अंदर येलो कलर की लाइट्स भी मिलेगी। सो गाइस, अब आप लोग देख सकते हैं गाड़ी का ओवरऑल जो फ्रंट लुक है, ग्रिल की लुक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है गाड़ी फ्रंट से दिखने में। एंड जो इसकी कट्स दे रखे हैं गाड़ी के अंदर, ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगते हैं गाड़ी में, देख सकते हैं आप लोग राइट नाउ। अभी आप लोग देख रहे हैं गाड़ी की लेफ्ट साइड से। सो आई होप आपको फ्रंट में सारा क्लियर हो चुका होगा। ऐसी कुछ आपको बड़ी सारी विंडशील्ड प्रोवाइड करवाई गई है, एंड ऊपर आपका हम इंडियंस का फेवरेट सनरूफ तो आपको गाड़ी के अंदर मिलेगा ही मिलेगा, एज द ऑप्शनल भी मिलेगा आपको सिर्फ ये सनरूफ जो है। सो अब गाड़ी की साइड प्रोफाइल में मूव करते हैं। सो साइड प्रोफाइल में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 16 इंचेस के डायमंड कट एलॉयज मिलेंगे ड्यूअल टोन में। टायर साइज आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं 195x55, 16 इंचेस के आपको इसके अंदर टायर्स मिलेंगे, एंड 16 इंचेस के आपको इसके अंदर एलॉयज मिलेंगे ड्यूअल टोन डायमंड कट एलॉयज। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स प्रोवाइड करवाई गई है गाड़ी में, एंड रियर में ड्रम ब्रेक्स मिलेगी आपको गाड़ी में। यहाँ पर आपको लोअर गार्निश प्रोवाइड करवाई गई है गाड़ी के अंदर, देख सकते हैं आप लोग पूरी एंड तक आपको यहाँ सी पिलर तक मिलेगी इसकी जो लोअर गार्निश है, विंडो गार्निश। एंड ये आपको न्यूली डिज़ाइंड इसके ORVMs मिल जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगते हैं ये। LED साइड टर्न इंडिकेटर्स आपको इसी भी मिलेंगे ORVMs पे, बॉडी कलर्ड एंड ड्यूअल टोन शेड में मिलेंगे, बॉडी कलर्ड विद मैट ब्लैक। सो ये आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड इलेक्ट्रिकली ऑटो फोल्डेबल मिलेंगे मिरर्स। सो आप लोग देख सकते हैं गाइस, अगेन यहाँ पर आपको ऐसे कुछ काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश इसके अंदर डोर हैंडल्स मिल जाएंगे। अगेन साइड प्रोफाइल पे जो गाड़ी के अंदर कट्स दे रखे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग लुक प्रोवाइड करवाते हैं गाड़ी को जब गाड़ी चल रही होती है। सो देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी बढ़िया लगते हैं ये जो इसके अंदर कट्स दिए हुए हैं गाड़ी में। एंड इस बार Hyundai ने गाड़ी के अंदर लोअर स्कर्टिंग टाइप्स ये चीज़ प्रोवाइड करवाई है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर i20 की बैजिंग देखने को मिलेगी, देख सकते हैं गाइस आप लोग, यहाँ पर आपको i20 की बैजिंग मिल जाएगी, एंड काफ़ी बढ़िया लुक देखने को लगती है ये।
एंड रियर में जैसा कि मैंने आपको बताया ड्रम ब्रेक्स प्रोवाइड करवाई गई आपको गाड़ी में, फ्यूल लिड भी आपको ऐसी कुछ न्यूली डिज़ाइन मिलेगी न्यू शेप के अंदर, एंड यहाँ से आपको इसके टेल लैंप स्टार्ट होते हुए दिख जाएंगे। ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना प्रोवाइड करवाया गया है, एंड यहाँ सी पिलर के एंड में आपको देख सकते हैं यहाँ आपको ग्लॉसी ब्लैक इंसर्ट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं रियर विंडशील्ड पे। सो गाड़ी साइड प्रोफाइल से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है, आप लोग देख सकते हैं गाइस। सो अब गाड़ी के रियर में मूव करते हैं। सो यहाँ से आपको टेल लैंप स्टार्ट होते हुए दिख जाएंगे, एंड यहाँ आपको i20 की बैजिंग मिलेगी। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है, जगह जगह जो i20 की बैजिंग दी हुई है फ्रंट हेडलैम्प पे एंड रियर टेल लैंप्स में। LED आपको इसके अंदर गाड़ी में टेल लैंप्स मिलेंगे, जेड शेप न्यूली डिज़ाइन टेल लैंप्स। सो आप लोग देख सकते हैं गाइस गाड़ी के जो टेल लैंप्स की लुक्स है। सो ओवरऑल रियर लुक आप लोग गाड़ी की देख सकते हैं गाइस अपनी स्क्रीन पर, ऐसे कुछ आपको इसके अंदर रियर लुक मिलेगी ओवरऑल। सो देख सकते हैं गाइस आप लोग यहाँ पर टेल लैंप्स की लुक, यहाँ आपको इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, एंड यहाँ आपको ऐसे कुछ जेड शेप टेल लैंप्स, यहाँ आपको बैक लाइट मिल जाएगी रिवर्स लाइट, एंड सेंटर में आपको यहाँ से टेल लैंप से स्टार्ट होते हुए सेंटर से एंड दूसरी साइड के टेल लैंप्स तक आपको यहाँ पर क्रोम का इंसर्ट्स मिल जाएंगे, क्रोम लाइनिंग मिल जाएगी, एंड सेंटर में आपको टाटा नेक्सोन की तरह यहाँ पर ब्लैक कलर के अंदर प्रोवाइड करवाया गया जो उसका बूट रियर विंडशील्ड के नीचे का एरिया है, जो सेंटर में यहाँ क्रोम के ऊपर आपको यहाँ सारा ब्लैक कलर के अंदर मिलेगा ग्लोसी ब्लैक में। यहाँ आपको मिल जाएगा Hyundai का लोगो, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। विंडशील्ड कुछ आपको ऐसी प्रोवाइड करवाई गई है, डिफोगर आपको एस्टा ऑप्शनल वेरिएंट में मिल जाएगा, एंड रियर वाइपर भी प्रोवाइड करवाया गया। यहाँ पर आपको रियर वॉशर मिल जाएगा एंड हाई माउंटेड ब्रेक स्टॉप लैंप मिल जाएगा, स्पॉयलर वगैरह नहीं है ये। सो आप लोगों को ऐसा कुछ मिलेगा इसका जो हाई माउंटेड ब्रेक स्टॉप लैंप है, आप लोग देख सकते हैं गाइस अपनी स्क्रीन पर गाड़ी की ओवरऑल रियर लुक। यहाँ आपको लेफ्ट साइड में मिल जाएगी i20 की बैजिंग, एंड इधर आपको एस्टा वेरिएंट की बैजिंग मिल जाएगी, ओ की बैजिंग यहाँ पर कभी नहीं आती है। सो यहाँ आपको एस्टा की बैजिंग देखने को मिलेगी, एंड इधर आपको टू रिवर्स पार्किंग सेंसर्स प्रोवाइड करवाए गए हैं गाड़ी के अंदर। लाइसेंस प्लेट्स जो है वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको येलो कलर के अंदर मिलेगी, हेलोजन बल्ब मिलेंगे, एंड यहीं पर आपको मिल जाएगा इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा। सो ओवरऑल लुक आप लोग देख सकते हैं रिवर्स से, इधर आपको रिफ्लेक्टर्स की प्लेसमेंट मिल जाएगी दोनों साइड्स पर, एंड बल्ब की लुक आप लोग देख सकते हैं गाइस। ऐसे कुछ आपको डिफ्यूज़र टाइप की काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्टाइलिश प्रोवाइड करवाया गया जो इसके अंदर डिज़ाइन है, मुझे भी ये पर्सनली काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा, देख सकते हैं गाइस आप लोग। सो आई होप आपको रियर लुक के बारे में सारा कुछ क्लियर हो चुका होगा गाइस। एक्सटीरियर्स मैंने आपको सारे दिखा दिए हैं गाड़ी के। सो गाइस अब गाड़ी के इंटीरियर में मूव करते हैं हम। सो लेट्स मूव टू द इंटीरियर। तो गाइस अभी आप लोग देख रहे हैं राइट नाउ Hyundai i20 का ड्राइवर साइड डोर पैनल, सिंगल कलर थीम रखा गया आपको गाड़ी के अंदर मिलेगा, मैट ब्लैक कलर रखा गया ब्लैक कलर के अंदर, एंड ये आपको ग्रे से कलर के अंदर मिल जाएगा इसका जो डोर हैंडल है। यहाँ आपको एम्बियंट लाइटिंग भी प्रोवाइड करवाई है गाड़ी में, ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है एम्बियंट लाइटिंग, एंड यहाँ पर आपको मिल जाएंगे सारे पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स, तो देख सकते हैं गाइस आप लोग। तो ऐसे कुछ आपको पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स मिल जाएंगे एंड ORVMs के डोर अनलॉक के भी। यहाँ पर आपको मिल जाएगी बॉस की बैजिंग, देख सकते हैं गाइस आप लोग। यहाँ स्पीकर्स की प्लेसमेंट मिल जाएगी आपको, 7 स्पीकर सिस्टम मिलता है आपको इसके अंदर गाड़ी में बॉस कंपनी का, एंड यहाँ अगेन आपको एम्बियंट लाइटिंग प्रोवाइड करवाई गई है, मुझे बहुत पसंद है ये एम्बियंट लाइटिंग जो गाड़ी में होती है। यहाँ आपको बॉटल होल्डर मिल जाएगा विद मैप पॉकेट एंड एम्बियंट लाइटिंग। यहाँ आपको थोड़ा सा लेदर टच मिल जाएगा ब्लैक कलर के अंदर, देख सकते हैं गाइस आप लोग। सो अब गाड़ी के इंटीरियर में मूव करते हैं गाइस। सो गाइस गाड़ी के अंदर आपको कीलेस एंट्री एंड पुश स्टार्ट बटन प्रोवाइड करवाया गया है टॉप वेरिएंट के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गाड़ी का इग्निशन ऑन कर लेते हैं गाइस। यहाँ आपको पुश स्टार्ट बटन प्रोवाइड करवाया गया राइट साइड में। सो इग्निशन ऑन हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं जो उसकी TFT डिस्प्ले प्रोवाइड करवाई गई आपको गाड़ी के अंदर इतने लार्ज साइज़ की, देख सकते हैं मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है।
डिजिटल ही है फुली जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आप लोग देख सकते हैं गाइस अपनी स्क्रीन पर, काफ़ी बढ़िया है ये। सो आई होप गाइस आप लोगों को सारा क्लियर हो रहा होगा। ये काफ़ी आपको मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले प्रोवाइड करवाती है, जो सेंटर में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी आपको इस बार गाड़ी में प्रोवाइड करवाया गया। सो वर्थ है गाड़ी गाइस, प्रीमियम हैचबैक मानी जाती है Hyundai i20 वैसे भी शुरू से। एंड ये डीजल वर्जन देख रहे हैं आप राइट नाउ, 1.5 लीटर का U2CIDI डीजल इंजन। सो इधर आप लोगों को 6000 RPM तक की मार्किंग देखने को मिलेगी एज ये डीजल इंजन है। इधर आपको मिल जाएगा स्पीडोमीटर गाड़ी में, देख सकते हैं गाइस आप लोग फुली डिजिटल। सो अब मैं आपको सेंटर में दिखा देता हूँ गाइस क्या कुछ ये गाड़ी शो कर रही है। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं गाड़ी में यहाँ पर एवरेज फ्यूल इकोनॉमी देख सकते हैं गाइस आप लोग, ट्रिप वगैरह डायरेक्शंस वगैरह सारा कुछ बता रही है ये गाड़ी। अगेन टायर प्रेशर वगैरह सब कुछ बता रही है ये गाड़ी, आप लोग देख सकते हैं गाइस अपनी स्क्रीन पर। क्रूज़ कंट्रोल आपको गाड़ी में एस्टा ऑप्शनल में मिलेगा, यहाँ पर आपको क्रूज़ कंट्रोल्स मिल जाएंगे। स्टेयरिंग आपको ओवरऑल डी कट स्टेयरिंग व्हील मिलेगा सेम क्रेटा की तरह, लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील मिलेगा विद वाइट स्टिचिंग्स। यहाँ आपको क्रूज़ कंट्रोल्स के सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे एंड MID के कंट्रोल्स। इधर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, डी कट स्टेयरिंग व्हील मिलेगा आपको गाड़ी के अंदर। यहाँ आपको हेडलैम्प्स के फंक्शंस मिल जाएंगे एंड यहाँ पर आपको वाइपर्स के ऑटोमेटिक वाइपर्स एंड ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आपको गाड़ी के अंदर प्रोवाइड करवाए गए हैं। इधर से आप लोग DRVM ऑन कर सकते हैं गाइस, देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर आप लोग। इधर से आप लोग DRVM ऑन कर सकते हैं जब आप लोग गाड़ी चला रहे हैं, आप इंफोटेनमेंट सिस्टम में रियर व्यू एंजॉय करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग DRVM गाड़ी का ऑन कर सकते हैं। एंड इधर से ट्रैक्शन कंट्रोल्स वगैरह के थोड़े बहुत आपको कंट्रोल्स मिल जाएंगे एंड यहाँ से आप हेडलाइट का जो लेवल है वो एडजस्ट कर सकते हैं गाइस। ऐसे कुछ आपको ऐसे इवेंट्स मिल जाएंगे गाड़ी के अंदर मैट ब्लैक कलर के अंदर एंड ग्रे इंसर्ट्स के साथ। बीच में आपको 10.25 इंचेस की टच स्क्रीन स्मार्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम की डिस्प्ले मिल जाएगी गाड़ी के अंदर, आप लोग देख सकते हैं गाइस काफ़ी बढ़िया है ये विद एप्पल्स का एप्पल एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले आपको गाड़ी के अंदर। ब्लूलिक टेक्नोलॉजी के साथ आती है गाड़ी विद न्यू फीचर्स जैसे Hyundai Verna एंड Hyundai क्रेटा में आते हैं एंड Hyundai Venue में, ऐसा कुछ आपको इसके अंदर मिल जाएगा। जो इसका इंटीरियर IRVM होता है, ये आपको ऑटो डिमिंग IRVM मिलेगा काफ़ी सारे फंक्शंस के साथ। यहाँ 3 बटन मिल जाएंगे आपको ब्लूलिंक के एंड रोड साइड असिस्टेंट्स के एंड सर्विस वगैरह के लिए, यहाँ पर आपको बटन्स मिल जाएंगे यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा। सो गाइस यहाँ पर आपको ऐसा कोई सनग्लास होल्डर मिल जाएगा एंड 2 यहाँ पर लाइट्स प्रोवाइड करवाएगी आपको यहाँ पर फ्रंट इनसाइड केबिन लैंप्स। यहाँ आपको क्रूज़ कंट्रोल्स के सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे। सो अपने सनरूफ के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। सो अब हम गाड़ी का सनरूफ जो है वो ओपन कर लेते हैं गाइस। सो आप लोग देख सकते हैं गाइस काफ़ी पसंद है ये इंडियंस को गाइस जो सनरूफ होता है गाड़ी का। सो मुझे खुद भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है जो गाड़ी के अंदर सनरूफ वगैरह होता है, तो यहाँ इस सनरूफ की वजह से आप लोग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं गाइस ट्रिप्स वगैरह पर। सो आप लोग देख सकते हैं जो ड्राइवर साइड डोर वाइज सनवाइज़र है उस पर आपको टिकट होल्डर मिलेगा एंड जो पैसेंजर साइड डोर वाइज़र है उस पर आपको वैनिटी मिरर प्रोवाइड करवाया गया गाड़ी के अंदर। एंड यहाँ डिस्प्ले के जस्ट नीचे यहाँ पर आपको सेंटर में AC वेंट्स दिए गए हैं एंड ओवरऑल आप लोग देख सकते हैं गाइस डैशबोर्ड फ्रंट डैशबोर्ड की लुक। ओवरऑल सिंगल कलर थीम रखा गया जैसा मैंने आपको पहले बताया ब्लैक कलर के अंदर। यहाँ अगेन आपको सेंटर AC वेंट्स मिल जाएंगे विद हजार्ड लाइट्स का स्विच एंड इसके जस्ट नीचे यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल्स के सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे गाड़ी में। वायरलेस चार्जिंग आपको एस्टा वेरियंट में भी मिलती है एंड एस्टा ऑप्शनल में भी मिलेगी। यहाँ एम्बियंट लाइटिंग मिलेगी अगेन आप लोगों को। यहाँ आपको 12 वॉट का चार्जिंग सॉकेट मिलेगा, यहाँ नॉर्मल सॉकेट मिलेगा आपको एंड यहाँ USB का सॉकेट मिल जाएगा USB पोर्ट। तो आप लोग देख सकते हैं गाइस गाड़ी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फीचर्स के साथ आई है एंड जो स्टीयरिंग व्हील है वो आपको टिल्ट एडजस्टेबल मिलेगा ओनली, टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल नहीं मिलेगा आपको गाड़ी के अंदर। जो उसका स्टीयरिंग व्हील है टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक आप लोग दोनों जगह से इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं गाइस गाड़ी का। सो स्टीयरिंग व्हील आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल मिलेगा गाड़ी के अंदर एंड ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आपको गाड़ी के अंदर प्रोवाइड करवाए गए हैं। गियर नॉब की लुक आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। 6-speed का मैनुअल ट्रांसमिशन आपको इसके अंदर, मैनुअल वेरिएंट आप लोग देख रहे हैं ये मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट। सो 6-speed का ट्रांसमिशन आता है आपके U2CIDI 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ।
सो ग्लोसी ब्लैक इंसर्ट्स दिए गए हैं एंड ग्रे इंसर्ट्स दिए गए हैं आपको यहाँ पर विद लेदर इंसर्ट्स, देख सकते हैं आप लोग लेदर रैप्ड। एंड यहाँ पर भी अगेन ब्लैक थीम ही रखा गया सारा गाड़ी का। यहाँ पर आपको टू कप होल्डर्स मिल जाते हैं एंड गाड़ी की जो की है वो आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ऐसी मिलेगी आपको। यहाँ क्रोम के अंदर ह्यूंडई का लोगो मिल जाएगा एंड यहाँ आपको ऐसे कुछ चार बटन्स मिलेंगे, फाइंड माई कार फीचर का, ट्रंक ओपनर का एंड अनलॉक के आपको इसके अंदर चार बटन मिलेंगे। यहाँ आपको गाड़ी के अंदर एयर प्योरीफायर भी प्रोवाइड करवाया गया है ह्यूंडई की तरफ से, देख सकते हैं गाइस आप लोग। एंड ये आप लोग देख रहे हैं इसकी हैंड ब्रेक की लुक, सीट अपहोल्स्ट्री आप लोगों को गाड़ी के अंदर फैब्रिक मिलेगी एंड ये ब्लैक कलर के अंदर विद वाइट स्टिचिंग्स मिलेगी आपको, काफ़ी बढ़िया लगती है जो इसकी सीट अपहोल्स्ट्री है। एंड गाड़ी के अंदर आपको 6 एयरबैग प्रोवाइड करवाए गए हैं, जो इसकी सीट बेल्ट है वो आपको एडजस्टेबल मिलेगी, हाइट एडजस्टेबल 6 एयरबैग प्रोवाइड करवाए गए हैं गाड़ी में। जो इसका आर्मरेस्ट है गाड़ी में फ्रंट आर्मरेस्ट वो आप लोगों को एडजस्टेबल प्रोवाइड करवाया गया। एंड स्टोरेज एरिया आप लोग देख सकते हैं, कुरकुरे वगैरह का पैकेट इजीली आ जाएगा एक, सो आप लोग कहीं जा रहे हैं तो यहाँ पर रख सकते हैं कुरकुरे वगैरह का पैकेट। सो ओवरऑल लुक आप लोग डैशबोर्ड की देख सकते हैं गाइस। सो अब हम गाड़ी के रियर सीट्स पर मूव करते हैं गाइस। सो अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ड्राइवर साइड रियर डोर पैनल, देख सकते हैं गाइस आप लोग, अगेन मैट ब्लैक कलर के अंदर आपको कलर टोन देखने को मिलेगी गाड़ी की। यहाँ पर आपको अगेन यहाँ आपको एम्बिएंट लाइटिंग नहीं प्रोवाइड करवाई गई है, यहाँ ग्रे इंसर्ट्स के साथ पावर विंडोज के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। यहाँ आपको स्पीकर्स की प्लेसमेंट मिल जाएगी विद बॉस बैजिंग, देख सकते हैं गाइस आप लोग यहाँ पर बॉस की बैजिंग, तो यहाँ पर आपको ऐसा कुछ बॉस की बैजिंग के साथ स्पीकर्स की प्लेसमेंट मिल जाएगी। एंड यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर मिल जाएगा विद मैप पॉकेट। सो अब गाड़ी के रियर सीट में मूव करते हैं गाइस। सो आप लोग अभी देख रहे हैं राइट नाउ गाड़ी का जो इंटीरियर है रियर से। सो आपको ओवरऑल फ्रंट डैशबोर्ड की लुक आप लोगों को कुछ ऐसी मिलेगी, आप लोग देख सकते हैं गाइस अपनी स्क्रीन पर, सॉरी फॉर डल लाइट। सेंटर में आपको यहाँ पर रियर इनसाइड कैबिन लैंप्स मिल जाएंगे गाड़ी के अंदर, सो काफ़ी बढ़िया है ये भी जो चीज़ है। एंड सनरूफ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है गाड़ी के अंदर। सो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं गाइस जो भी गाड़ी का रियर से फ्रंट डैशबोर्ड की लुक्स है वो गाइस आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं फ्रंट डैशबोर्ड की लुक। सो गाइस रियर में आपको गाड़ी के अंदर आर्मरेस्ट भी प्रोवाइड करवाया गया है एंड आइसोफिक्स चाइल्ड माउंटेड सीट्स मिलती हैं आपको, आइसोफिक्स की बैजिंग भी मिल जाएगी, देख सकते हैं गाइस आप लोग। रियर में आपको यहाँ पर ऐसे कुछ ग्रैब हैंडल्स मिल जाएंगे गाइस गाड़ी के अंदर विद हैंगिंग हुक बोथ साइड्स पर। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगा हेडरेस्ट जो है जो कि एडजस्टेबल है गाड़ी में, आपको फ्रंट एंड रियर दोनों हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिलेंगे। एंड जो फ्रंट ड्राइविंग सीट है वो आपको हाइट एडजस्टेबल भी मिलेगी गाड़ी के अंदर। सो गाइस अब मैं गाड़ी का जो बूट है वो ओपन कर लेते हैं गाइस अब हम। तो गाइस यहाँ पर आप गाड़ी का बूट स्पेस देख सकते हैं, सफिशिएंट अमाउंट में दिया गया है 392 लीटर्स का बूट स्पेस, देख सकते हैं गाइस आप लोग। स्पेयर व्हील आपको स्टील व्हील मिलेगा 15 इंचेस का एंड यहाँ आपको बूट लैंप मिल जाएगा विद वन हैंगिंग हुक। एंड इधर अगेन आपको एक स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाएगी बोस की बैजिंग के साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया इसके अंदर बोस का साउंड सिस्टम आता है ओवरऑल 7 स्पीकर्स का। सो अब गाड़ी का रिवर्स पार्किंग कैमरा ऑन करके देख लेते हैं, यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा। सो अब मैं गाड़ी को रिवर्स गियर में डालता हूँ। सो अब मैं गाड़ी का रिवर्स गियर लगाने जा रहा हूँ गाइस। सो आप लोग देख सकते हैं गाइस यहाँ पर आपको कैमरे का जो व्यू है वो कुछ ऐसा मिलेगा विद ऑटोमेटिक ऑटो डायनेमिक गाइडलाइंस। एंड यहाँ आपको सेंसर्स की डिस्प्ले मिल जाएगी गाड़ी के अंदर, देख सकते हैं गाइस आप लोग क्लियरिटी काफ़ी सही है गाड़ी के अंदर। ह्यूंडई हमेशा क्वालिटी के अंदर विश्वास रखती है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फीचर्स दिए गए हैं गाड़ी के अंदर। तो गाइस अब मैं आपको उसके हेडलैम्प्स ऑन करके दिखा देता हूँ एंड उससे पहले हम लोग गाड़ी का जो है बोनेट ओपन कर लेते हैं हम। सो गाइस अब हम गाड़ी का बोनेट ओपन कर लेते हैं एंड हेडलैम्प्स ऑन कर लिए हैं मैंने, आपको हेडलैम्प्स दिखा देता हूँ मैं एंड बोनेट ओपन करते हैं।
सो गाइस आप लोग देख सकते हैं हेडलैम्प्स जो है वाइट कलर की लाइट निकल कर आ रही है, देख सकते हैं। हेडलैम्प्स जो है आपको विद कॉर्नरिंग हेडलैम्प फंक्शन के साथ प्रोवाइड करवाए गए हैं। वाइट कलर की एलईडी लाइट निकल कर आ रही है, देख सकते हैं आप लोग प्रोजेक्टर में से। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है ये जो लाइट है, एंड इसकी जो विजिबिलिटी है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया प्रोवाइड करवाती है गाड़ी के अंदर। सो गाइस अब बोनेट ओपन कर लेता हूँ मैं। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग CRDI 16V की बैजिंग। ये आप लोग U2 1.5 लीटर का CRDI डीजल इंजन देख रहे हैं गाड़ी के अंदर। सो जिसकी इंजन डिस्प्लेसमेंट 1493 cc की है। एग्जैक्ट इंजन डिटेल्स आप लोगों की स्क्रीन पर आ रही होगी। सो देख सकते हैं आप लोग जो ओवरऑल इसकी डिस्प्लेसमेंट है इंजन की। आई होप आपको सारा क्लियर हो चुका होगा। सो अब बोनेट क्लोज कर लेते हैं गाइस। सो आप लोगों ने जो इसकी हेडलाइट्स है वो आप लोगों ने देख ली होगी, कॉर्नरिंग हेडलैम्प फंक्शन के साथ आती है। सो ORVM जो है ये आपको एडजस्टेबल मिलेंगे इलेक्ट्रिकली। जो इसके ड्राइवर साइड विंडो है वो आपको ऑटो पिंच डाउन एंड अप मिलेगी, देख सकते हैं गाइस आप लोग यहाँ से। तो अभी अपने आप ऊपर आ जाएगी, वन टच डाउन मिलेगा इसके अंदर आपको जो ड्राइवर साइड विंडो है इसकी। एंड ORVM आप लोग देख सकते हैं यहाँ से, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगते हैं मुझे ये पर्सनली ORVM। ए पिलर आपको यहाँ पर गाड़ी के अंदर बॉडी कलर्ड मिलेगा, एंड सनरूफ देख सकते हैं गाइस ऊपर आप लोग। सो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है मुझे ये गाड़ी पर्सनली। सो गाइस इंजन डिटेल्स वगैरह आप लोगों ने अपनी स्क्रीन पर चेक कर ही ली होगी जो डीजल इंजन की है। सो इंजन डिटेल्स आप लोगों की स्क्रीन पर आ रही होगी। बाकी इसके अंदर आपको IMT का ऑप्शन भी मिल जाते हैं, एंड एक आपको 1.0 लीटर का टर्बो GDI पेट्रोल इंजन मिल जाएगा विद IMT एंड DCT गेयर बॉक्स के साथ। सो एंड एक 1.2 लीटर का कापा पेट्रोल इंजन मिल जाएगा आपको गाड़ी के अंदर। सो आई होप आपको गाड़ी के बारे में सारा कुछ क्लियर आउट हो चुका होगा। मैंने आपको गाड़ी के बारे में अपनी तरफ से ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता दी है। सो गाइस अब गाड़ी के ओवरऑल सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो गाड़ी में आपको 6 एयरबैग्स मिलेंगे, एंड 6 एयरबैग्स मिल जाएंगे आपको गाड़ी के अंदर। ABS विद EBD मिल जाएगा, सीट बेल्ट विद प्रीटेंशनर्स मिल जाएंगे गाड़ी के अंदर आपको, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स मिल जाएंगे, ऑटोमेटिक रेन साइजिंग वाइपर्स मिल जाएंगे, एंड ऑटो डिमिंग IRVM मिल जाएगा आपको गाड़ी के अंदर, ऑटोमेटिक हेडलैम्प फंक्शन मिल जाएगा विद कॉर्नरिंग हेडलैम्प फंक्शन के साथ आपको इसके अंदर, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, रियर डिफोगर मिल जाएगा आपको, रियर वाइपर विद रियर वॉशर मिल जाएगा गाड़ी के अंदर, फ्रंट फॉग लैम्प्स मिल जाएंगे आपको गाड़ी में। सो बाकी काफ़ी सारे वार्निंग सिग्नल्स मिल जाएंगे गाड़ी के अंदर आप लोगों को। सो आई होप गाइस आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो चुका होगा ओवरऑल। सो एक ग्लव बॉक्स रह चुका है, वो ओपन करके दिखा देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर आपको सफिशिएंट अमाउंट में ग्लव बॉक्स एरिया प्रोवाइड करवाया गया है, कोल्ड ग्लव बॉक्स मिलेगा आपको गाड़ी के अंदर। सो गाइस आई होप आपको सारा क्लियर हो चुका होगा गाड़ी में क्या कुछ प्रोवाइड करवाया जाता है। सो मैंने अपनी तरफ सब कुछ बता दिया गाइस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। एंड एक अपना ऑन रोड प्राइस रह चुका है, तो वो मैं आपको गाड़ी का बता देता हूँ गाइस। एक्स शोरूम एंड ऑन रोड प्राइस वो अगेन आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं गाइस, जो उसका एक्स शोरूम एंड ऑन रोड प्राइस है। सो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। सो गाइस मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.